हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। सबसे पहले इसका फुल नेम जानेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों के बीच डिफ्रेंसिएशन को देखेंगे, ठीक है, कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर डीएनए का जो फुल नेम होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी अगर हिंदी में बात करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं एसिड को, ठीक है। आरएनए का फुल नेम जो होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब इसके बाद इन दोनों में क्या डिफरेंट है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला डिफरेंट जो है, इसका फुल नेम ही इसका एक डिफरेंट बन जाता है, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, ये पहला इसका जो फुल नेम है वही इसका फर्स्ट डिफरेंट बन गया, पहला अंतर बन गया। इसके बाद देखो, डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके बाद जो तीसरा डिफरेंट है इनके बीच में, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारी पदार्थ एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है और आरएनए में क्षारक पदार्थ, ठीक है, इसमें क्षारी पदार्थ होता है। आरएनए में क्षारक पदार्थ जैसे एडेनिन तो इसमें भी होता है, ग्वानिन भी होता है, लेकिन इसमें यूरोसिन और साइटोसिन होता है। इसमें यही दो डिफरेंट है। अब देखो, इसमें एक नेक्स्ट जो डिफरेंट है वो है, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती है। यह सामान्यतः एक सूत्री होता है, जो आरएनए होता है ये एक सामान्यतः एक सूत्री होता है, और जो आपका डीएनए होता है वह कुंडलाकार अवस्था में पाया जाता है, ठीक। तो यही रहा आरएनए तथा डीएनए में अंतर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।